नमस्कार दोस्तों, SCS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, जो आपके संविदा, सीटेट, एमपीटेट, रीट, केंद्रीय विद्यालय का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। और इसको हम लोग कई पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम लोग मनोविज्ञान संबंधित विषयों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शिक्षण सामग्रियों को देखेंगे, फिर हम लोग शिक्षा विधियों की बात करेंगे, और इस प्रकार हम अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग बाल मनोविज्ञान को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान को समझेंगे, मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा में उसका क्या उपयोग है। फिर हम लोग बाल विकास को देखेंगे, बाल विकास के नियम को देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांत, उनके विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। इन सबों को हम लोग बाल विकास के अंदर तक देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आपके जो टॉपिक्स हैं वो है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषा शब्द पे आते हैं हम लोग। मनोविज्ञान क्या है और क्यों है, इस सब विषय का विकास क्यों हुआ, इसके उपयोग क्या हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, साइकोलॉजी, इसको मनोविज्ञान को हम लोग इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और ये शब्द आपका गैरिट ने कहा था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, और ये दोनों के दोनों लैटिन शब्द हैं, साइक और लोगस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं, साइक और लोगस से बना हुआ है। साइक का बेसिकली मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी और अध्ययन करना। तो इस प्रकार जो पुरानी परिभाषा है, या जो पहली परिभाषा जिसको हम लोग कह सकते हैं साइकोलॉजी की या मनोविज्ञान की, वो कहता है कि मनोविज्ञान हमारा क्या है, आत्मा का विज्ञान, स्टडी ऑफ सोल, ओके। ये सबसे पुरानी परिभाषा है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है उसके अनुसार अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा निकल के आती है कि साइकोलॉजी आपका क्या है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। तो विभिन्न और भी जो हमारी परिभाषाएं हैं उन पे हम लोग बात करेंगे, अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास की अगर हम लोग बात करें कि इसका विकास कैसे हुआ, तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो हमारे कहलाते हैं अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, बेसिकली प्लेटो और अरस्तु को सभी विज्ञानों का जनक कहा जाता है, ठीक है। खास करके दर्शन ही आपका क्या है, सभी विज्ञानों का उद्गम स्थल है। दर्शन ही आपका सभी विज्ञानों का स्रोत है, या कह सकते हैं कि सभी विज्ञान दर्शन से ही अलग अलग उत्पत्ति हुई है इनकी। तो दर्शन से ही आपके अलग अलग शाखाएं विज्ञान की, गणित की, सबकी निकलती चली गई, और इसी में मनोविज्ञान जो प्राचीन काल में आपका क्या था, दर्शन का ही एक भाग था, दर्शन का ही एक भाग था, जिसमें हम लोग आत्मा के बारे में पढ़ते थे, ओके। तो अरस्तु, फादर ऑफ, आपको याद रखना है फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, अरस्तु, इस बात को हमें याद रखना है। अरस्तु के समय मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में मान्यता मिल गई थी, और इस बात का उल्लेख रायबर ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में किया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है, ये भी आपको याद रखना है, ये पुस्तक है आपके रायबर्न की, ओके। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकले ने। रुडोल्फ गोइकले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, और इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, ओके। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द के जो प्रथम उपयोगकर्ता हैं वो रुडोल्फ गोइकले हैं। 1590 में उनकी पुस्तक साइकोलॉजिया में इसका जिक्र किया है। अब हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास की, बात करते हैं कि किस तरह से विकास होता है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं और उनके विषय के रूप में ये किस तरह से विकसित हुए, हम लोग इसकी बात करेंगे,
ठीक है, देखिए मनोविज्ञान परिभाषा के प्रवर्तकों में जो सबसे प्राचीन है वो हमारे प्लेटो हैं, फिर हमारे अरस्तु आते हैं, डेकार्ते आते हैं, रेन डेकार्ते ये मध्यकालीन थे, सुकरात इन सब में सबसे प्राचीन है। ओके, सुकरात आपके सबसे प्राचीन दार्शनिक माने गए हैं, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। क्रम आपको याद रखना है कि सुकरात सब इनके गुरु थे प्लेटो के, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ओके, अरस्तु के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है कि अरस्तु जो आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, विश्व विजेता सिकंदर का गुरु था। ठीक है, ये आपके प्राचीन प्रवर्तक हैं। डेकार्ते रेन डेकार्ते आपके मध्यकालीन दार्शनिक माने जाते हैं, यूरोपियन यूरोप के बड़े दार्शनिकों में जिन्होंने आधुनिक दर्शन शास्त्र को स्थापित किया है, उनमें रेन डेकार्ते का नाम सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, रेन डेकार्ते ने मन और शरीर, जिसको हम लोग माइंड एंड बॉडी कहते हैं, मन और शरीर की अवधारणा इन्होंने पेश की थी। ठीक है, तो ये प्राचीन प्रवर्तक हैं और इन्होंने मनोविज्ञान की जो पहली परिभाषा दी है वो यही कहा उन्होंने कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, कब से देखिए ये आपके, इनके अगर हम लोग काल की बात करें तो सुकरात का जो काल है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से माना जाता है, लगभग लगभग 600 ईसा पूर्व, या हम लोग इसको 600 नहीं कह सकते हैं, 500 ईसा पूर्व 499 के आसपास में इनकी मृत्यु हुई थी। तो और अरस्तु का काल ये भी मान लेंगे हम लोग, ये सब 400 ईसा पूर्व तक इनका काल चलता है, से लेकर डकारते के समय तक। डकारते आपके आते हैं 15वीं शताब्दी, या हम लोग कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी तक। तो 16वीं शताब्दी तक हमारे जो परिभाषा है मनोविज्ञान की वो कहती है कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान। ये सबसे प्राचीन परिभाषा है जो दी गई थी आपके अरस्तु और प्लेटो के द्वारा। चलिए, 16वीं शताब्दी तक यही परिभाषा प्रचलित रही, हम लोगों को ये याद रखना है कि 16वीं शताब्दी तक लोग यही मानते रहे कि ये आपका आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, अब 16वीं शताब्दी के बाद विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की की, उस समय आपके कोपरनिकस आ गए, गैलीलियो जैसे लोग आ गए, जिन्होंने न्यूटन आ गए, जिन्होंने विज्ञान में कुछ अभूतपूर्व खोजें की, और कई सारे जो आपके ईश्वरीय नियम जिनको कहा जाता था, ईश्वरीय नियम को इन्होंने चुनौती दी। जैसे पृथ्वी आपकी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ठीक है, ये आपका ईश्वरीय नियम, यानी जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया उसके जस्ट अपोजिट था। तो उसके बाद 17वीं शताब्दी तक आते आते हमारा क्या हुआ कि इन चीज़ों पे सवाल उठने शुरू हो गए, आत्मा ईश्वर जैसे विषयों पे सवाल उठने शुरू हो गए, तो परिभाषा में परिवर्तन की जरूरत पड़ी। ओके, और 18वीं शताब्दी तक इन्होंने, 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक एक नई परिभाषा आई मनोविज्ञान की, वो था मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, मन साइकोलॉजी क्या है, तो ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, और इसमें आपके इसके इस परिभाषा को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है आपका फेस्टोलॉजी। इसको दो और वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, उसमें आपके पंपोजी और उनके एक शिष्य थे थैसरीड। पंपोजी और थैसरीड, बेसिकली परिभाषा आपकी पूछी जाती है उसमें पंपोजी और थैसरीड का ही नाम आता है। पंपोजी और थैसरीड के अनुसार आपका मनोविज्ञान क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये कब तक चलती रही, ये आपके 18वीं शताब्दी के अंत तक ये आपका चलता रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत होते होते इस परिभाषा को भी नकार दिया गया, मन और मस्तिष्क को भी नकार दिया गया, और इसके बाद आपके आते हैं विलियम जेम्स और विलियम बूम। साइकोलॉजी में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विलियम जेम्स और विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। 1879 में विलियम वुंड सबसे पहले इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ में? तो जर्मनी में इन्होंने की थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसलिए इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं आपके विलियम वुंड। ठीक है, विलियम जेम्स वो लोग, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखा, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्थापित किया था विलियम जेम्स ने। और इन दोनों का मानना था कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान न होकर यह क्या है, आपके चेतना या कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। चेतना क्या होती है? ठीक है, चेतना एक विस्तृत शब्द है। अगर चेतना की हम लोग बात करें तो चेतना या कॉन्शियसनेस आपकी एक विस्तृत शब्द है, या हम लोग कह सकते हैं कि चेतन से ही एक शब्द बनता है, चैतन्य, या हम लोग कह सकते हैं जिनको सजीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव की जो परिभाषा है उसमें मुख्य परिभाषा आपने पढ़ी होगी, वो है आपका प्रजनन। सजीव जो होते हैं अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन एक और अंतर सजीव और निर्जीव में होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल। इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक सजीव अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकता है या काम कर सकता है। ठीक है, जैसे एक केचुआ है आपका, इस रास्ते से जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई अवरोध उसको मिलता है तो वो क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। पर क्या यही चीज एक गेंद अपना रास्ता अवरोध देकर बदल सकती है? नहीं बदलेगी। तो यही आपके जो स्वतंत्र इच्छा है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, उसी को क्या कहा इन्होंने, चेतना कहा। ओके, चेतना स्वतंत्र इच्छा है, या फिर निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है जो सजीव और निर्जीव को अलग करती है, उसी को कॉन्शियसनेस या चेतना कहा जाता है। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, पर चेतना को मतलब सामान्य शब्दों में यही समझ सकते हैं कि निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता सजीवों में होती है वो चेतना होती है। ओके, विलियम जेम्स और विलियम वुड ने कहा कि चेतना का विज्ञान है हमारा, जो मनोविज्ञान है वो किसका है, ना तो ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है और ना ही ये आत्मा का विज्ञान है, बल्कि ये चेतना चैतन्य जीवों का विज्ञान है। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस या ये अवेयरनेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता किस तरह से उत्पन्न होती है, ये उसको जानने और समझने का विज्ञान है। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, कार्ल मार्क्स विद्यालय के नाम से इसको बाद में जाना जाता है। ओके, पुराना नाम उसका लिप्जिंग यूनिवर्सिटी ही था, बाद में इसका नाम बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ओके, और अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो भारत में सबसे पहली प्रयोगशाला नरेंद्रनाथ सेन गुप्त, शॉर्ट में इनका नाम सेन गुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में की थी, कोलकाता में स्थापित की गई थी, और इसका काल है आपका 1916 ईस्वी में। 1916 में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टेनली हॉल के द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ पे? तो ये स्थापित की गई थी आपके न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भारत अमेरिका की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक है, विलियम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। विलियम वुंड और विलियम जेम्स की परिभाषा है कि ये आपका किसका विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये परिभाषा आपकी 18वीं शताब्दी के अंत में दी गई थी और ये 19वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा चलती रही। इसके बाद आपका सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और वो है आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा। और आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि मनोविज्ञान क्या है, ना तो ये आत्मा है,
ना ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है और ना ही ये चेतना का विज्ञान है। बेसिकली मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, देखिए व्यवहार क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि व्यवहार क्या होता है। तो व्यवहार या बिहेवियर जो होता है वो व्यक्ति के द्वारा किए गए वे कर्म होते हैं, वे कर्म जो किसी अन्य की उपस्थिति में, किसी अन्य की वास्तविक या संभावित, किसी अन्य की वास्तविक या संभावित उपस्थिति में घटित होती है। ठीक है, तो ये व्यवहार कहता है कि व्यवहार आपका क्या है। व्यवहार कहता है कि व्यवहार वो कर्म होते हैं, मनुष्य के द्वारा किए गए वे कर्म होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, या तो वास्तविक रूप में वहां उपस्थित हो या फिर उसके होने की संभावना भी हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। ओके, अब देखिए व्यवहार पर उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, देखिए व्यवहार पर उपस्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में छोटा बच्चा है। ओके, बच्चा शरारत करता है, ठीक है, शरारत करता है, गुस्से में आकर आप कभी कभी उसको डांट डपट देते होंगे या पीट देते हैं। पर यही अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है तब आप क्या करेंगे? क्या बच्चे को उसी तरह से डांट डपट करेंगे या पीटेंगे? तो यहाँ जो आप करते करते हैं, जो भी काम करते हैं, वही आपका व्यवहार होता है, ना कि अकेले में किया गया जो कार्य है वो व्यवहार होगा। ठीक है, तो व्यवहार की परिभाषा यही दी गई कि वह कर्म जो किसी अन्य की वास्तविक या संभावित उपस्थिति में घटित होती है उसको हम लोग व्यवहार कहते हैं। ओके, तो देखिए व्यक्ति के विचार को या फिर हम लोग बात करें उसकी भावनाओं को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ना तो हमारे विचार और ना ही भावनाएं, ये दोनों मूर्त होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे? तो उसको समझने का जो जरिया है वो आपका क्या है, व्यवहार ही है। कोई आदमी गुस्से में है तो आप उसके गुस्से को या क्रोध को नहीं देख सकते, पर उसके द्वारा किए गए व्यवहार से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये आदमी गुस्से में है। अगर कोई दुखी है तो दुखी के दुख को आप नहीं देख सकते हैं, दुखी के व्यवहार से ही आप उसके दुख का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए व्यक्ति के भावनाओं को या फिर उनके विचारों को देखने का जो तरीका है वो क्या है, तो व्यवहार है। ठीक है, हम व्यवहारों का अध्ययन करके ही उसके मनोस्थिति का अध्ययन कर सकते हैं, उसके मनोस्थिति के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो आधुनिक परिभाषा बनता है वो ये कहता है कि मनोविज्ञान आपका क्या है, मनोविज्ञान बेसिकली मनुष्यों के व्यवहार का विज्ञान है। ओके, अब ये व्यवहार शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया है उन्होंने किया है मैकडूगल ने, सबसे पहला व्यवहार शब्द के जनक आपके मैकडूगल हैं, और विलियम वुडवर्थ की, सॉरी आर एस वुडवर्थ की भी यही परिभाषा है कि आपका क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार शब्द के जन्मदाता आपको याद रखना है मैकडूगल। ओके, पर यही व्यवहारवाद की अगर हम लोग बात करें, व्यवहारवाद या व्यवहार मनोविज्ञान, इसके जनक हैं वाटसन, जॉन वी वाटसन, ये आपको याद रखना है। शब्द के जनक मैकडूगल हैं, पर व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म आपका क्या है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ओके, साइकोलॉजी में कई सारे विभिन्न तरह के संप्रदाय प्रचलित हैं, जिनमें एक आपका महत्वपूर्ण संप्रदाय है व्यवहारवाद। ओके, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं वाटसन, ये आपको याद रखना है। ओके, इनको व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। ठीक, और मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित जो किया था वो सबसे पहले क्या है, पिल्सबरी ने सबसे पहले ये परिभाषा दी थी कि आपका क्या है, व्यवहार का विज्ञान। ओके, तो परिभाषा पिल्सबरी की है, व्यवहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग मैकडूगल ने किया है, और व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो वाटसन है। व्यवहार क्या है, तो व्यवहार आपके वो कर्म है जो किसी व्यक्ति के वास्तविक या संभावित उपस्थिति में घटित होता है। ठीक है, व्यवहार के जरिए ही हम लोग क्या करते हैं, तो किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं, किसी के विचारों को समझ पाते हैं,
या उसका हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। ओके, चलिए ये सबसे आधुनिक परिभाषा और ये आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय, कौन कौन से संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, हम लोग उनकी बात करते हैं। ओके, तो मनोविज्ञान के कई सारे इंपॉर्टेंट स्कूल हैं जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका व्यवहारवाद है, जिसकी हम लोगों ने अभी अभी चर्चा की थी, और इसके प्रवर्तकों में माने जाते हैं वाटसन, और दूसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है स्किनर, बी एफ स्किनर, उनका पूरा नाम है बी एफ स्किनर। इनके कई सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली व्यवहारवाद क्या कहता है, तो व्यवहारवाद के कई सारे इंपॉर्टेंट विचार हैं, ठीक है, और उनमें जो सबसे प्रमुख बात है, सबसे प्रमुख जो विचार है वो ये है कि व्यवहारवाद ये मानता है कि सब कुछ यांत्रिक होता है। ठीक है, यांत्रिक कहने का मतलब यह है कि आप जो भी व्यवहार करते हैं उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। आप गुस्से में आएंगे तो क्या करेंगे, ये पहले से निश्चित है। ठीक है, अगर आप दुखी होंगे तो क्या करेंगे, ये भी पहले से निश्चित है। हाँ, हालांकि ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर जरूर करता है, पर फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यवहार को देखकर कई सारे घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि व्यवहार एक तय पैटर्न के अनुसार काम करता है, उसका एक निश्चित क्या होता है, पैटर्न होता है। ओके, दूसरा आपका कहता है कॉग्निटिविज्म या संज्ञानवाद। ठीक है, संज्ञानवाद आपका कहता है कि संज्ञानवाद जो होता है वो आपका क्या है, तो संज्ञानवाद कहता है कि बुद्धि की बात करता है। ओके, संज्ञानवाद के प्रवर्तक आपके टी बेक हैं और अल्बर्ट एलिस हैं। संज्ञानवाद बुद्धि की बात करता है, ये कहता है कि देखिए इंसानों के पास संज्ञान एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, या हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टर्म है। संज्ञान को हम लोग आगे पढ़ेंगे। संज्ञान का जो तात्पर्य होता है वो बेसिकली आपकी स्मृति, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, मनन, इनसे रिलेटेड होता है। तो ये जो क्षमता होती है उसको संज्ञान कहा जाता है। ओके, तो संज्ञानवादी ये मानते हैं कि ये सब कुछ जो भी तय होता है वो तयशुदा नहीं होता बल्कि बुद्धि के अनुसार होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे नॉर्मली सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर किसी ने आपको आगे बढ़ के नमस्ते किया तो व्यवहारवाद ये कहता है कि आप भी उसको नमस्ते करोगे। ठीक है, क्योंकि जो होना चाहिए वो ये व्यवहारवाद बात करता है, पर संज्ञानवाद कहता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने नमस्ते किया और तुरंत पलट के हम लोगों ने भी नमस्ते किया, बल्कि इसके बीच में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो घटित होती हैं। ठीक है, जैसे उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है, ओके, उस व्यक्ति ने हमारे साथ कैसा आचरण किया है, ओके, उस वक्त परिस्थितियाँ क्या है, या उस वक्त मैं किस मूड में हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इस बात पर। ओके, तो अगला जो है आपका वो है कार्यात्मकवाद या फंक्शनलिज्म। इसके प्रवर्तक है विलियम जेम्स, जॉन डेविड, थॉर्नडाइक और वुडवर्ड। फंक्शनलिज्म या आपका कार्यात्मकवाद, कार्यात्मकवाद कहता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति या सीखने की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, तो क्रिया से होती है। ओके, ठीक है, ये कहते हैं कि जो भी आपका सीखना होता है वो किससे होता है, क्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यात्मकवाद या फंक्शनलिज्म कहते हैं। आगे करते हैं हम लोग बात गेस्टाल्टवाद की। इसके इंपॉर्टेंट आपके हैं कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्डिमर और कार्ल रोगर्स। ओके, गेस्टाल्टवादी किसको महत्व देते हैं, तो गेस्टाल्टवादी महत्व देते हैं बुद्धि को। ठीक है, ये कहते हैं कि बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी बुद्धि, या समझने की क्षमता, या सोचने की क्षमता, या जिसको हम लोग कह सकते हैं समाधान करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता। ठीक है, विश्लेषणवाद की बात करते हैं, तो विश्लेषणवाद आपके जनक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इसके दूसरे इन्हीं के शिष्य थे एरिक्सन, हॉर्नी और जुंग। ये इनके मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं फ्रायड। इसको याद रखिएगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है फिर आपके मनोविज्ञान में, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, और विश्लेषण का जहाँ भी जिक्र आता है, सिर्फ विश्लेषणवाद की बात करते हैं, तो विश्लेषणवाद में आपके एरिक्सन आ जाते हैं।
ठीक है। तो विश्लेषणवाद बेसिकली बात करता है किसकी, तो ये बात करते हैं अचेतन की, अचेतन मन की। तो ये कहता है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है बेसिकली वो किससे प्रभावित होता है, तो वो उनके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। ओके, इनके मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपके प्रवर्तक है विलियम वुंड के द्वारा, और दूसरे टीचनर हैं आपके जो इम्पोर्टेंट हैं। संरचनावाद कहता है कि मनोविज्ञान कुछ और नहीं है बल्कि मनुष्य के शरीर की रचना में ही छुपा हुआ है। हमारे शरीर की रचनाएं जैसे मस्तिष्क का आकार, मेरुरज्जु, बाकी हमारे शरीर के आकार में ही आपका क्या है, हमारे व्यवहार का जो भेद है वो छुपा हुआ है। ओके, तो ये हमारे क्या है, मनोविज्ञान के अलग अलग स्कूल्स हैं और अलग अलग हमारे इनके प्रवर्तक हैं। आपको याद रखना है खास करके व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणात्मकवाद। ये आपके चार हैं, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं। कार्यात्मकवाद भी आपको याद रखना है और संरचनावाद भी आपको याद रख सकते हैं, बट ये चार तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। व्यवहारवाद वर्सन, संज्ञानवाद टीवेक, गेस्टाल्टवाद इसके वर्दिमर हैं, वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर इसके जनक हैं। ओके, कोहलर और कोफ का कोहलर जो थे वो इन्होंने इनके वर्दिमर के विचारों को आगे बढ़ाया था, और कोफका ने इनके विचारों को लिखित किया था। एक पुस्तक लिखी है कोफका की, पुस्तक है द थियरी ऑफ गेसाल्ट। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में आपको वर्दिमर का नाम याद रखना है। मैक्स वर्दिमर इनके जनक थे, कोहलर और कोफका, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। कार्ल रोजर्स को ह्यूमैनिटेरियन माना जाता है, मानववादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ये इंसानों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। कार्ल रोजर्स के बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक और मानववादी विचारक हैं आपके अब्राहम मैस्लो, उनके कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, खास करके आवश्यकता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं इनको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, और उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में आप बेहतर करेंगे।